वेलकम स्टूडेंट्स, इस सवाल में हमें दिया गया है 2 tan 3a cos 3a minus tan 3a plus 1 equals to 2 cos 3a, तो हमें a का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 2 cos 3a को इस साइड ले आते हैं, तो हमें मिलेगा 2 tan 3a cos 3a minus tan 3a plus 1 minus 2 cos 3a is equal to 0। और अब हम यहां से tan 3a को कॉमन ले लेते हैं, सो tan 3a अगर हम कॉमन लेते हैं तो बचेगा 2 cos 3a minus 1, और यहां पे अगर हम minus 1 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा 2 cos 3a minus 1 equals to 0। और 2 cos 3a minus 1 into tan 3a minus 1 equals to 0 हो जाएगा। तो अब हमें यहां से a का दो वैल्यू मिलेगा, सो पहला होगा 2 cos 3a minus 1 equals to 0 and tan 3a minus 1 equals to 0, या फिर इसे हम लिख सकते हैं cos 3a is equal to 1 by 2 and tan 3a is equal to 1, और cos 3a is equal to हम लिख सकते हैं cos 60 degree, cos 60 का value 1 by 2 होता है, and tan 3a is equal to हम लिख सकते हैं tan 45 degree, tan 45 का value 1 होता है, और 3a is equal to 60 degree हो जाएगा, and यहाँ पे 3a equals to 45 degree हो जाएगा। therefore हमें a का वैल्यू मिल रहा है 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 20 डिग्री एंड a इक्वल्स टू 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 15। तो a का दो वैल्यू होगा, एक 20 डिग्री और एक 15 डिग्री। थैंक यू।